विद्यार्थी जो हमारे साथ हैं 1,20,000 मैक्सिमम लोग हमसे डे टू डे जुड़ते रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि सर अनिश्चितकालीन का परमिशन ले लीजिए, ये आंदोलन तक करवे कीजिएगा, आप छोड़िएगा तो है नहीं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास है कि हम आंदोलन छोड़ने वाले नहीं है तो लाइफ टाइम का परमिशन ले लीजिए, और नहीं होता है तो इसको ढलैया उलैया करवा दीजिए, मतलब मिठाई लेके आए हैं, ये लेके आए हैं। मेरा बच्चा जाता है, मैं जब घर जाता हूँ या मेरे साथी जब घर जाते हैं तो एक ही बात बोलता है कि पापा जेल जाइएगा क्या, जेल जा रहे हैं क्या। इनका साफ तौर पे कहना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग जाएंगे नहीं, विभाग नहीं बदला है, विभाग के लोग नहीं बदले हैं, तो हम लोग क्यों गर्दनी बाग से उठेंगे। सीटेड बीटेड अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे थे हैं, पिछले 3 सालों से परेशान है। कुछ दिन पहले ये लोग आंदोलन कर रहे थे, 22 दिन का आंदोलन था, सरकार के द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिया गया था कि हम लोग जुलाई लास्ट तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देंगे। विवेक जी भी उस आंदोलन का हिस्सा थे, हम आपको पंडाल दिखाते हैं, यह पंडाल वो है जो सरकार के आश्वासन के बाद 1 तारीख से खुट्टा गाड़ दिया गया, और इस बार हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं, यह जो खुट्टा गड़ा गया, यह जो तंबू तनाया गया है, यह भाड़े का नहीं है, इस बार फिक्स तंबू गड़ाया गया है, क्योंकि विवेक जी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम लोग इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है, हो सकता है इस पर हम ढलैया भी कर दें और यहाँ पे हम घर बना दें, क्योंकि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तब तक तो इस बार यह तंबू हटने वाला नहीं है। आइए हम विवेक जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर इस बार क्या कारण हुआ, जो ये जो तंबू हमेशा रेंट पे लगता था इस बार फिक्स क्यों हो गया। विवेक सर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। सर इस बार जो आप लोगों ने तंबू गाड़ा है, सुने इसको फिक्स कर दिए हैं? बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि सरकार की बेरुखी रवैया, सरकार हर बार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, वो जो मतलब बोलते रहते हैं फिल्मों में डायलॉग होता है, फिल्म को हकीकत में बदल दिया है। जब सर हमारी आंदोलन को आप गिनना शुरू कीजिएगा तो पिछला 3 साल से इतनी आंदोलन हो गई कि उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट, हमको लगता है कि हमारे सैलरी से ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, और तमाम बिहार का सैलरी जो जोड़िएगा उससे ज़्यादा हम अभी तक इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो जब सरकार झूठ पे झूठ बोलती ही जा रही है तो हम लोग क्यों ना एक झूठ का परमानेंट सोल्यूशन ही डाल दिए कि नहीं आप झूठ बोलते रहिए, मेरा तो काम है जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं, ज्वाइनिंग होगा नहीं, तब तक तो हमको आंदोलन ही है। जैसे आप सेमेस्टर वाइज, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आंदोलन कीजिए 3 दिन का, सेकंड सेमेस्टर में आंदोलन कीजिए 8 दिन का, सेकंड सेमेस्टर हो गया तो 3 से 8 हो गया है, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर ऐसे बढ़ते जाइएगा जब तक आप डीएलएड का पूरा सेमेस्टर क्लियर कीजिएगा, मेरा आंदोलन का सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, सिलेबस हो गया है, सिलेबस हो गया है, हाँ आंदोलन सिलेबस हो गया, एकदम डिफिनिट हो गया है। तो हम जब उस सिलेबस को भी पार कर चुके, उसके बावजूद भी हमको लगा कि नहीं ये तो एक्स्ट्रा सिलेबस है ना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट वर्क में हर बार जो खर्चा होता है कहें ना एक बार परमानेंट खर्चा कर दिया जाए, और हो गया। हम आपको बता दें कि हमारे अभ्यर्थी जो हमारे साथ हैं 1,20,000 मैक्सिमम लोग हमसे डे टू डे जुड़ते रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि सर अनिश्चितकालीन का परमिशन ले लीजिए, आंदोलन तक करवे कीजिएगा, आप छोड़िएगा तो है नहीं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास है कि हम आंदोलन छोड़ने वाले नहीं है तो लाइफ टाइम का परमिशन ले लीजिए, और नहीं होता है तो इसको ढलैया उलैया करवा दीजिए, बस मतलब आप जनरेशन बाई जनरेशन देगा नहीं, और आप लगे रहिए इसमें डेली का खर्चा, आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी आंदोलन में। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि ये प्रदेश अध्यक्ष अभी तक छोटा प्रदेश अध्यक्ष 12 साल का प्रदेश अध्यक्ष पैदा कर चुका है, जो जानता है वो आपके बच्चे या किसी भी नेता प्रतिपक्ष के बच्चे होंगे, वो घर जाते होंगे तो वो पापा से पूछता है कि पापा मतलब मिठाई लेके आए हैं, ये लेके आए हैं। मेरा बच्चा जाता है, मैं जब घर जाता हूँ या मेरे साथी जब घर जाते हैं तो एक ही बात बोलता है कि पापा जेल जाइएगा क्या, जेल जा रहे हैं क्या। वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि पापा को जेल जाना है, आज पापा घर से निकले हैं तो हो सकता है जेल जाएंगे, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं, बिहार सरकार का बेरुखी रवैया है तो ये जेल से ही आएंगे। अच्छा ये बिहार सरकार का कैसा बेरुखी रवैया है, नीतीश जी को सुशासन की सरकार बोला जाता है, जब अपने कुर्सी की बारी आती है तो यानी कि नहीं बोलता, एक जादू की छड़ी घूमता, सत्ता परिवर्तन हो जाता जब अपने पे बारी आती है, और बिहार का भविष्य पिछले कई सालों में कर दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही स्कूल में नहीं है और शिक्षक पिछले कई सालों से रोड की खाक छान रहे हैं, तो कैसे विकास होगा, तो क्यों नहीं सरकार आप लोग लगातार बैठे, ऐसा नहीं है नीतीश जी के संज्ञान में बात नहीं, और लगातार शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम बहुत जल्द यथाशीघ्र आप लोगों को नौकरी देंगे, यथाशीघ्र जल्द का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन बताइए। देखिए यथाशीघ्र और जल्द का मतलब तो जो बोलते हैं वही बताएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है वो समझिए, हमारी मजबूरी है कि हम अपना कार्य कर चुके हैं, हमको चाहिए, और उनकी मजबूती क्या है, उनको सत्ता पक्ष चाहिए, कुर्सी कुमार है नीतीश कुमार, अभी तक
गठबंधन महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, अगर हमारे लिए कुछ अच्छा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो आंदोलन कर ही रहे। अच्छा, अब तो गठन भी नहीं होगा, मान लीजिए अगर शिक्षा मंत्री बदल जाता है तब क्या कीजिएगा? अभी तो फिलहाल कुछ हुआ ही नहीं है, बोला जा रहा है यानी 15 के बाद यानी 16 तारीख से कुछ अगर होगा तो पता चलेगा, उसके लिए क्या अलग सी रणनीति बना रहे हैं, ये जरूरी है जानना दर्शकों को। चलिए, मतलब दर्शकों को जानना जरूरी है, ठीक है, शिक्षा मंत्री बदले हैं, सचिवालय नहीं बदले नहीं है, हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है शिक्षा मंत्री बदल जाए, सचिवालय नहीं बदला है, बिहार का वो गर्त का स्थिति नहीं बदला है, तो हाँ डिले हो गया मेरा, ये जो गठबंधन का सरकार है उसके कारण हम लोग 10 दिन डिले हो गए, क्योंकि अभी जो मंत्री आएंगे वो उनके पास पेपर लेके जाएंगे तो कहेंगे अभी तो हम बैठे ही हैं, रुको ना, देखते हैं, कागज तुम्हारा रख दो, साहब से मिलेंगे, मंत्री हैं तो वो तो साहब नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि हम अपने अधिकारियों से बातचीत करके तुम्हारी भी बात करेंगे, तो ऐसा 10 दिन करेंगे वो। तेजस्वी बोले हैं पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, अब आपको क्या टेंशन है? हाँ तो वो तो है ही, मतलब उम्मीद तो पूरा है, विश्वास पूरा है, क्योंकि जब तक आप विपक्ष में थे गरज के कहते थे मैं शिक्षकों के साथ हूँ, विधानसभा सड़क से सदन तक की जो आवाज़ होती है आप सदन में भी हमारी आवाज़ रखे हैं, तो जब आप विपक्ष में थे तो सदन में आवाज़ रखे, अभी तक हमारी आवाज़ पूरा नहीं हुई, हमारी मांग पूरा नहीं हुई है, अब आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, डिप्टी सीएम के पोस्ट पे हैं, तो अब तो करेंगे, विपक्ष के पास फिर जाएगा। क्या करेंगे, मतलब हमको तो बस हमारी मांग पूरी करनी है, इसके लिए हम एड़ी चोटी का दम लगा देंगे, ब्लड का एक एक कतरा बेच देंगे। वो तो बाहर है, आप तो बोल ही दिए हैं, आपका जो छोटा जो आपका जो बेटा है 12 साल का, यानी हम आपको बहुत जल्द जूनियर से भी आपको मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे शायद जूनियर प्रदेश अध्यक्ष से हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू करवा देंगे, क्योंकि वह बोलते हैं पापा आप जेल कब जाइएगा। नहीं मतलब जेल पापा जेल गए हैं और तो सरकार की विडंबना है, सोनू के बाद सोनुआ के पास तो सब हाँ है। वो एक हाँ सोनू के पास सब जाता है, लेकिन वो एक बच्चा है जिसको हम सिखाए नहीं है सर, वो हम सिखाए नहीं है कि हम जेल जा रहे हैं, लेकिन वो टीवी पे मीडिया में देख लेता है कि पापा तो जेल में गए हुए हैं और आज भी जा रहे हैं। बार भी आपको पकड़ा था हमारे माध्यम से, हो सकता है हाँ, मतलब देखा देखता है और कहता है भी है कि पापा आज भी जेल जाइएगा, हम कहें कि बेटा जब तक नोटिफिकेशन आया नहीं जाएगा तब तक जा ही रहे हैं। तो हमारे साथ विवेक जी थे, लगातार आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, 1 अगस्त से यह लोग आंदोलन पर बैठ गए हैं, क्योंकि सरकार ने बोला था कि लास्ट जुलाई तक हम लोग नोटिफिकेशन लाएंगे, जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त भी आ गया, अगस्त यानी कल 15 अगस्त है, हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। विडम्बना है कि शिक्षक ही बिहार में नहीं, अगर शिक्षक बिहार में नहीं है तो बिहार में पढ़ाई कहाँ से होगा, बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका उस स्कूल का भ्रमण देसी बिहार ने किया है कि शिक्षक तो है मगर 5-5 साल से बिना स्कूल में आए हुए वेतन उठा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? दूसरी तरफ लगातार शिक्षक अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं 3 साल से, मगर यह लोगों के लिए सरकार सुनती ही नहीं है, कान में करवा तेल डाल के सो गई, और फिलहाल अभी सरकार स्थगित है, यानी सरकार तो बन गई है, फिलहाल अभी किसी को कोई मंत्रालय नहीं मिला है, अभ्यर्थी भी लगातार इनका साफ तौर पे कहना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग जाएंगे नहीं, विभाग नहीं बदला है, विभाग के लोग नहीं बदले हैं तो हम लोग क्यों गर्दनी बाग से उठेंगे, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें, धन्यवाद।